एक ऐसा बिजनेस जो शुरू में तो बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे कंपनी के मालिक के कुछ गलत फैसलों के चलते कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। तो इसके बाद उस कंपनी को फिर से मार्केट में खड़े होने की उम्मीद तो किसी को भी नहीं होगी। लेकिन ये इम्पॉसिबल से दिखने वाला कमाल कर दिखाया कूलर मेकर की कैटेगरी में मोनोपोली रखने वाली सिम्पनी कंपनी ने। आइए देखते हैं कैसे क्या बिजनेस ट्रिक्स उन्होंने अपनाई जो जीरो पर पहुंच चुकी कंपनी मार्केट में एक बार फिर से हीरो बन गई। सिम्पनी के मालिक अचल बकेरी ने बजटेड अमाउंट के साथ 1988 में सिम्पनी की शुरुआत की। पहली ही समर में सिम्पनी ने अपना पूरा का पूरा लॉट बेच दिया और तो और शुरू होने के महज 6 साल बाद यानी कि 1994 में ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में आ गई। लेकिन फिर कुछ डिसीजंस और उनके एग्जीक्यूशन में कुछ गलतियां हुई और 2001 में कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। एक्चुअली सिम्पनी देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी, लेकिन सिम्पनी के मालिक बकेरी को लगा था कि कूलर तो सिर्फ सीजनल प्रोडक्ट है, इसीलिए साल भर मार्केट में छाए रहने के लिए उनको और भी चीजें बेचना शुरू करना चाहिए। और फिर क्या था, सिम्पनी ने वॉशिंग मशीन, एसी, एग्जॉस्ट फैन आदि बनाना भी शुरू कर दिया। लेकिन सिम्पनी की ये स्ट्रेटेजी उनके लिए फायदा नहीं बल्कि नुकसान लेकर आई और कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा, वो भी इतना नुकसान कि आने वाले एक दशक सिम्पनी को रीबिल्ड करने में ही लग गए। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत का फल एक दिन में भले ना मिले पर एक दिन जरूर मिलता है। बेकारी की मेहनत भी रंग लाई और कंपनी ने वापस मार्केट में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया और इस बार और भी ज्यादा मजबूती से। आज सिम्पनी दुनिया में एयर कूलर्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इसके 419 ट्रेड मार्क्स हैं और 82 रजिस्टर्ड डिजाइन्स हैं, 20 कॉपीराइट हैं और 51 पेटेंट्स हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार सिम्पनी ने ऐसा क्या किया जो बैंकक्रप्ट होने के एक दशक के बाद ही उसने मार्केट में अपनी मोनोपोली स्थापित कर ली। तो इसके पीछे सिम्पनी का एक ही फंडा था कि भाई इनोवेशंस करते जाओ। उन्होंने सिंगल पर्सन के यूज के लिए टेबल टॉप कूलर बनाए। इसके अलावा उन्होंने ऐप से कंट्रोल होने वाले कूलर भी इनोवेट किए। पैंडेमिक के टाइम पे उन्होंने ओमनी चैनल अप्रोच का यूज करते हुए बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। साथ ही बच्चों के लिए कूलर लॉन्च करने के लिए डिज्नी के साथ भी कोलैबोरेट किया। मींस एज ग्रुप कोई भी हो, सिम्पनी ने सबके लिए कुछ अलग कुछ नया बनाने की कोशिश की और उनकी ये कोशिश रंग भी लाई। इसके अलावा उन्होंने एक जापानीज और चाइनीज कंपनी को टेक ओवर करके भी अपना बिजनेस का दायरा बढ़ाया। तो ये थी सिम्पनी के बैंकक्रप्ट होने के बाद दोबारा बाउंस बैक करके दुनिया की सबसे बड़ी कूलर मेकिंग कंपनी बनने की कहानी। सिम्पनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।